शहीद बाबा खुशहाल सिंह जी तिना दे सलाना जोड़ मेले दिया समूह सार संगत नू लख लख वधाइया लख लख मुबारक फैन कुड़ी अमृतसर के बानी नवाब कपूर सिंह के भतीजा शहीद बाबा खुशहाल सिंह जी जिन्होंने देश बदले कौम बदले कुरबानी की अज उन्हों का नाम ध्रुव तारे की तरह सारी दुनिया के चमक रहा देशों देशों के संगत आ बाबा जी के गुरुद्वारा साहब नतमस्तक होंदिया ने अज बाईवां ढाडी दरबार हो रहा है। प्रबंधक कमेटी शहीद बाबा खुशहाल सिंह जी गुरुद्वारा साहब की प्रबंधक कमेटी ते शहीद बाबा खुशहाल सिंह खालसा मार्ग सीनियर सैकंडरी स्कूल लावड़ा दोनों कमेटियां इको ने रल मिल के एक ट्रस्ट भी बनाया होया है। सतगुरु पातशाह की कृपा का सदका साडा ढाडी विरसा जिहड़ा अज लोग भुलाई जा रहे हैं उन्हों उच्चिया बुलंदियों से बचाने के बदले अपनी ढाडी परंपरा जिंदा जागता रखने के बदले प्रबंधक कमेटी का बहुत वड्डा उपराला है। किसी विद्वान का कथन है कहता शहीदों की चिताओं पर लगे हर वर्ष मेले वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। नगर के उच्च ढाडी दरबार करवाने कीर्तन दरबार करवाने गुरमत समागम करवाने कमीशन दरबार करवाने मानो आने वाली पीढ़ी को अपने विरसे की बांह फड़ाने के बराबर होया करता है कि साढ़े वड्डिया वधेरिया ने साढ़े वास्ते की कुरबानियां कीतियां की पूरने पाए की काढ़ी राह चलाए। ते प्यार वाले हो अदीप का कथन है कहता बिरथा खून शहीदा का नहीं जाता जिथे डुलता जुग पलटा देवे बिरथा खून शहीदा का नहीं जाता जिथे डुलता जुग पलटा देवे ए खून बरूद की चिड़क बन के सीधे जज्बिया के पापड़ ला देवे किधरे किड़े तूफाना शांत करता किधरे उज भुचाल लिया देवे ए खून बरूद का लई टीका कौम मूर्तियां विच जिंदगी पा देवे। अज उन्हां शहीदां सिंघां नूं याद किया जा रहा है। फैजपुरी अमृतसर दे बानी बाबा खुशहाल सिंह साहब जी जज साहबान साढ़े कोल पहुंचण वाले ने ते ढाडी सिंघां दे एंट्रियां हो चुकियां ने। एक बार अपनियां अपनियां वारियां फिर नोट कर लो। एक नंबर ते ज्ञानी सुखदेव सिंह जी चमकारा छे नंबर ते ज्ञानी इंद्रजीत सिंह बजूहा सात नंबर ते बीबी जसवीर कौर जासल आठ नंबर ते ज्ञानी सतराम सिंह जी तरनता नौ नंबर ते ज्ञानी करम सिंह जी साजन दस नंबर ते ज्ञानी बलकार सिंह जी कुदमी बारह नंबर ते ज्ञानी मंगल सिंह जी महरम बारह नंबर ते ज्ञानी किशन सिंह जी चंडेर तेरह नंबर ते ज्ञानी सुखबीर सिंह जी पौर चौदह नंबर ते ज्ञानी जसवीर सिंह जी हीरा पंद्रह नंबर ते ज्ञानी प्रदीप सिंह जी खालसा पंद्रह ढाडी जिथे पहुंचे ने सारे प्रबंधक वालों जी आया जिन्हें राह तो आप जी चल के आए उन्होंने राह के बार निकल हारने जाने क्योंकि बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करीन अपने वड्डे वडेरे दियां कहानियां कथा सुनाउणियां ते प्यार वाले अज करां अज पीरी पीरी छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी का गुरता गद्दी दिवस भी है जिन्होंने ढाडी परंपरा चलाई ते नत्था ते अब्दुल्ला ने वारा पढ़िया। हो सकता है अज की कौम अज की सिख कौम ढाडी सिंघां दा उन्ना सत्कार उन्ना मान ना कर सके जिन्ना छेवें पातशाह ने किया। पग तेरी की जहां कीती अज जिहड़ियां असीं बीबियां पीड़ियां केसरी दस्तार सजाउंदे आ साहिब जी देने ते प्यार वाले हो साढ़े विच जज साहिबान हाजिर हो चुके ने अति सत्कारयोग प्रोफेसर कृपाल सिंह साहिब जी डॉक्टर सुमिंदर सिंह जी शीना जंतर सुखबीर सिंह जी प्रोफेसर खालसा कॉलेज जलंधर तो सारिआं दा ही धन्नवाद। इत्थे पहुंचण ते साडे प्रधान साहिबान सरदार गुरदयाल सिंह जी की स्कूल के प्रधान ते गुरुद्वारा साहब की प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार बलदेव सिंह जी लाबड़ी सुखदेव सिंह जी कटवाल डॉक्टर निर्मल सिंह साहब जी सारे का तहे दिलों धन्यवाद है। प्रिंसीपल साहब जी वाइस प्रिंसीपल साहब जी ते सारे ढाडी अच्छा निर्भरता साहब बेनती सांग सिख इतिहास नाल संबंधित होने चाहिए जी। एक जत्था केवल एक ही प्रसंग गा सकता है दूसरा प्रसंग नहीं गा सकता।
समा पहली बेल 12 मिनट ते बजेगी ते दूसरी बेल 15 मिनट ते बजेगी। ऐ बत्तिया ने जो आपकी सरंगी दे उत्ते गज रख दोगे आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा, ग्रीन लाइट जग पेगी जो 12 मिनट हो जाएंगे, ते पीली लाइट जग पेगी जो 15 मिनट हो जाएंगे उदों लाल बत्ती जग जाएगी। खतरे की घंटी भी जो आप पंजाबी में कहने आ। सो ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਜੱਥਾ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਈ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਮੀਲਾ ਕਿਲਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰਜਾਜੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟਿ ਕੋਟਾਨੋ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ।